हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली मैं लेके आया हूँ दोस्तों सेपेड पाउच फिलिंग मशीन की, जो हमने बहुत सारी वीडियो पहले भी डाली और हमारे बहुत सारे कस्टमर व्यूवर्स का बहुत सारा हमको रिस्पॉन्स भी मिला है दोस्तों। तो आज स्पेशली वही बिजनेस का कुछ मॉडिफाई करके बिजनेस लेके आए, कुछ मॉडिफाई करके वीडियो लेके आए दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए। हम इसके अंदर आपको हमारे अलग अलग मॉडल्स और ये मशीन के अंदर से आप कितनी वेराइटीज है, कितनी प्रोडक्ट्स है वो आप बना सकते हो, इसमें कितना प्रॉफिट है, वो सब जानकारी ये वीडियो के अंदर आपको देंगे। और मेन चीज वो भी बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हमने ये वीडियो डालने के बाद मार्केट में बहुत सारा कॉपी प्रोडक्ट निकलने लगा दोस्तों, तो उसमें भी बताएंगे कि हमारी कंपनी क्या चीज यूज करती है और मार्केट में जो चीज मिल रही है उसमें क्या फर्क रहता है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए कि हम हमारी आपको क्वालिटी भी बता पाए कि हम क्या क्वालिटी इसके अंदर मशीन में यूज कर रहे हैं, कौन सा पार्ट्स यूज कर रहे हैं इसके अंदर, और मार्केट में आपको जो लो क्वालिटी लो बजट के सस्ती जो मशीन मिल रही है तो क्वालिटी में क्या फर्क रहता है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए। तो हमें बिजनेस के बारे में भी बताएंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट है, क्या-क्या प्रोडक्ट आप बना सकते हो और कौन से मॉडल्स है हमारे पास अवेलेबल, मॉडल्स कौन से और कितनी कैपेसिटी के मॉडल्स है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सिंगल हेड की सेपरेट पाउच मशीन, ऑटोमेटिक पाउच फिलिंग मशीन है दोस्तों, जिसके अंदर से आप कोई भी प्रोडक्ट फिल कर सकते हो नॉन कार्बोनेटिक, गैस बिना का। नॉन कार्बोनेटिक मतलब के CO2 बिना का कोई भी प्रोडक्ट आप इसके अंदर फिल कर सकते हो दोस्तों। ये फिलिंग मशीन है, ठीक है। इसके अंदर आप आपको सेपरेट पाउच में अगर जूस है, मैंगो माजा फ्रूटी ऑरेंज जैसा जूस, इस टाइप के पाउच में भी फिल करना है आपको, तो ऐसे पाउच में आप फिल कर सकते हो दोस्तों। ऐसी प्लास्टिक की बोतल में आपको फिल करना है तो ऐसी प्लास्टिक की बोतल में आप भर सकते हो। कोई भी ऑयल है, टमेटो सॉस है, केचप या कोई भी यदि दूसरा प्रोडक्ट है जो फूड लाइन का है, खाने पीने की चीज है, तो वो भी आप ये मशीन के अंदर दोस्तों फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले मेरी ये मशीन है दोस्तों पूरी 304 स्टेनलेस स्टील से, पूरी पाइप फैब्रिकेशन से पूरी मशीन हमने बनाई दोस्तों। प्लस यहाँ पे हमने हैवी ड्यूटी हेड लगाई, आप देख सकते हैं पूरा हेड इसका, पूरा हैवी ड्यूटी हेड है ये। आपको मार्केट में ऐसा हेड कोई भी दूसरा कंपनी में कहीं पे भी मिलने नहीं मिलेगा देखने दोस्तों। वहां पे दोस्तों खाली स्टील का पाइप निकाल रहता है, जो ज्यादा फीस देने से, ज्यादा लोड देने से पाइप पिंच हो जाता है दोस्तों, जिससे क्या रहता है कि कस्टमर को काम वहां पे खड़ा रह जाता है। आप 15-20 पाउच भरेंगे तो ऑटोमेटिक वो पाउच पिंच हो जाएगा। हमने पूरा हैवी स्ट्रक्चर से पूरा कनेक्शन निकाला है दोस्तों। प्लस इसके अंदर यहाँ पे हमने मूवेबल, आप देख सकते हो वेलक्रो वाली है, मूवेबल है, स्ट्रिचेबल जो बोलते हैं ना दोस्तों, जिसके इससे मुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इसको ये टूटता नहीं है, ना फूटता है, ना लीक होता है दोस्तों। ये नोजर हमने लगाया, इसका मोल्ड बनाया है, तो इसको आप बड़ी आसानी से पाउच को भर सकते हो दोस्तों। ये बड़ी आसानी से इसको ऐड कर सकते हो, इसे आप दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हो उसमें, जिससे क्या रहता है कि दोस्तों इसमें मेंटेनेंस नहीं आएगा, कोई लीकेज इसका फॉल्ट नहीं आएगा। आपने बटन जितना सेट किया उतना ही मटेरियल निकलेगा, ठीक है। ये मशीन है दोस्तों वन हेड की, सिंगल हेड की मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आप वन टाइम में सेट कर सकते हो जितना एमएल का आपको पाउच भरना है या बोतल भरना है। जैसे कि आप 150 ml का पाउच भरना है तो 150 ml सेट करो, 50 ml का पाउच भरना है तो 50 ml सेट करो, 200 ml का बोतल भरना है, 250 ml का बोतल, 600 ml का बोतल, लीटर का बोतल भरना है तो बोतल भरो। तो ये ऑटोमेटिक वन टाइम सेटिंग करके आप इसको भर सकते हो दोस्तों। मैं आपको दोस्तों इसमें अभी हमने पानी भरा हुआ है और यहाँ पे हमने एक लीची का फ्लेवर रखा हुआ है बना के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये लीची का फ्लेवर मैं इसमें अंदर आपको लगा के फिलअप करके इसको प्रोडक्ट को बना के बताऊंगा ये कैसे चलती है, कैसे चला नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने इसमें पानी रखा है, तो आप देख सकते हैं पानी भरेगा अभी, ये पानी भर रहा है। ये अभी हम इसको लाइन में ले लेते हैं, इसको लीची फ्लेवर को लाइन में ले लेते हैं और लीची फ्लेवर भी आपको बना के दिखाता हूं दोस्तों मैं इसके अंदर। ये लीची फ्लेवर पीछे इसका कनेक्शन है दोस्तों, कनेक्शन में उसका पीवीसी नोजर रहता है, वो नोजर इसको डाल देना है, ऑटोमेटिकली वो सकिंग कर लेगा क्वांटिटी के हिसाब से। आपने जितना क्वांटिटी सेट किया वो क्वांटिटी के हिसाब से ऑटोमेटिक उसको सकिंग कर लेगा दोस्तों, ठीक है। अभी ये लाइन लगा दिया, सबसे पहले हम पानी निकाल देंगे उसमें से। ये लीची स्टार्ट हो चुका है दोस्तों इसमें, अभी हम आपको बोतल भर के देंगे इसका। आप देखिए दोस्तों लीची भर चुका है इसमें, आप कलर चेंज हो गया इसका, देखिए इंस्टेंट 2 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर ये अपना फ्लेवर चेंज हो गया है दोस्तों इसमें, ठीक है।
तो इसको डिपेंडेड ऑन क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपको इसमें बोतल भरनी है या पाउच भरना है, तो पाउच भरना है तो पाउच भर सकते हैं, बोतल भरनी है तो बोतल। सबसे पहले मैं आपको इसमें से दोस्तों एक पाउच भर के दिखाऊंगा, ये लीची का प्रोडक्ट भर के दिखाऊंगा कैसे आपको भरना है इसको प्रोडक्ट को, ठीक है। ये इसका नोब रहता है, यहाँ पे इसका वेलक्रो स्ट्रिप रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग लाइन है इसका, जो बंदा ठंडा करके खाता है इसका कटिंग लाइन है। ये पाउच का ग्रिप है, इसको सबसे पहले फिलअप करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका ग्रिप है, ये फिल कर दिया हमने, अभी इसका बटन दबाएंगे हम, क्या भर रहा है देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये भर चुका है। अभी इसको आपको निकाल देना है ऐसे, ये निकाल दिया। यहाँ पे इसका सीलिंग मशीन है दोस्तों, ये सीलिंग मशीन यहाँ पे ही रहेगा, आपको यहाँ पे लगा के ये सील हो चुका है दोस्तों, ये अभी मार्केट में बनने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए रेडी हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा, और जरा भी कोई लीकेज नहीं है इसमें, आप देखिए दोस्तों पूरा होल्ड हो चुका है, जरा भी लीकेज नहीं है। और दोस्तों ये प्रोडक्ट तभी चलेगा जब लीक नहीं होगा, अगर आपने 1000 पाउच बना दी उसमें से 200 लीक हो गए तो दूसरे 800 को भी खराब करेंगे और मार्केट में आपका इमेज भी खराब करेंगे। हम आपको ये क्वालिटी, इसका सीलिंग का कैपेसिटी बताते हैं कि इसका कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले तो हम इसको जमीन में आप बोलेंगे ऐसे पटकेंगे, देखिए दोस्तों ये देखिए, ये देख सकते हैं पूरा, अभी इससे भी आपको अभी इफेक्ट नहीं गिरता है दोस्तों, तो मैं इसके ऊपर खड़ा रह जाऊंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पाउच है, इसके ऊपर मैं खड़ा रह जाऊंगा, आप देखिए, आप देख सकते हैं पूरा, यहां से आपको दिख रहा होगा, मैं ये देखिए पीछे से खड़ा हो जाता हूं मैं, देखिए आप देख सकते पूरा, अब देख सकते हैं पूरा, या बैक साइड भी इसको दिखाइए जरा हमारे व्यूवर्स को, अब देख सकते हैं पूरा, ये देखिए लीकेज नहीं है वो दोस्तों, एक बूंद भी लीक नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मशीन है, आप देख सकते हैं पूरा, ये आप देखिए, तो ये हिसाब से पूरा सीलिंग हो जाएगा। प्लस दोस्तों इसके अंदर अगर आपको कोई नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक भरना है, जैसे कि लीची है, ऑरेंज है, कोई भी आप इसके अंदर फ्लेवर डालेंगे, अभी हम इसका बोतल फिल करेंगे, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देंगे, वो फ्लेवर था 150 ml का पाउच था, अभी ये 200 ml का बोतल आ गया है, तो हम इसका थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों ये 200 ml का बोतल भर चुका है। अभी यहां पे हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपिंग मशीन लगा दिया था, अब देखिए जो ढक्कन पैक करता है, कैपर बोलते हैं इसको, यहां पे हम कैपिंग इसको लगाएंगे दोस्तों, आप देखिए ये कैपिंग लगाया, यहां पे स्विच दिया हमने कैपिंग का, ये कैपिंग स्टार्ट हो चुका है, ये कैपिंग हो चुका है, ये आपका ड्रिंक का बोतल तैयार हो गया दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें लीची है, ऑरेंज है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, पुदीना मसाला, जीरा है, ब्लैक करंट है, कोई भी फ्लेवर, गैस बिना वाली ऐसी फ्लेवर भर सकते हो दोस्तों। हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट का ऑर्डर है दोस्तों, हमारे पास रेडी स्टॉक में मशीन पड़े नहीं रहते, क्योंकि ऑर्डर से इतने सारे रहते हैं हमारे कस्टमर के, कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी के लिए 2 मशीन पैक करे जो हम डिलीवरी के लिए भेज रहे हैं, और ये मशीन है कस्टमर का रिक्वायरमेंट का, जिसमें हमने 2 हेड लगा दिए। कस्टमर बोल रहा है कि एक बंदा बैठ के कैपिंग करके बोतल भरेगा और दूसरा बंदा बैठ के सेपरेट पाउच भरेगा, ठीक है, तो हम इसका दूसरी साइड भी हमने हेड लगा दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं ये दूसरी साइड भी हमने इसमें हेड लगा दिया है, हम रखा बजू अभी देखा, आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे ये दूसरा हेड यहां पे हमने लगा दिया इसमें, तो यहां पे बैठ के बंदा जो है सेपरेट पाउच भरेगा और दूसरी साइड पे बैठ के अभी जाओ
ये दूसरी साइड पे यहाँ पे आदमी बैठ के कैपिंग करेगा, जो प्लास्टिक का बोतल, पेट बोतल, कोई भी ड्रिंक बना रहा है तो वो भरेगा। दोनों अलग अलग फ्लेवर रहेगा तो भी चलेगा। उसमें आप लीची को फिलअप करो, इसके अंदर आप बोतल फिलअप करो। ये हमारे मॉडल्स है दोस्तों, ये एक सिंगल हेड का मॉडल से, ये डबल हेड का मॉडल है, दो हेड का है। एज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट आप इसके अंदर कैपिंग मशीन लगा सकते हो, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सेपरेट दोनों साइड से हेड ले सकते हो। इसकी एक घंटे की कैपेसिटी है, 300 पाउच ऐसे बनाएगा दोस्तों, एक घंटे के अंदर 300 पाउच बनाएगा एक घंटे में। ये मशीन है दो साइड है, इसलिए 300 एक घंटे में यहां बनेगा, दूसरा आदमी 300 बनाएगा एक घंटे में। टोटल 600 बोतल या पाउच की कैपेसिटी है मशीन की। उसके बाद हमारा दोस्तों है चार हेड का मशीन है, ये भी हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही है। आप देख सकते हैं इसका भी मैं आपको, इसको भी थोड़ा मैं आपको बाहर निकाल के इसका लुक बता देता हूं। देखिए आप दोस्तों, ये चारों साइड इसमें अंदर हेड हमने लगाई है। ये वन हेड, एक हेड यहां पे है ऑटोमेटिक, ये दूसरा हेड यहां पे ऑटोमेटिक ही है, तीसरा हेड यहां पे ऑटोमेटिक ही है, चौथा हेड दूसरी साइड है। टोटल फोर हेड का मशीन है, ये ऑटोमेटिक है दोस्तों, जिसके अंदर आपको ml को सेट कर देना है कि 50 ml, 20 ml, 100 ml, लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, जो भी सेट करना है यहां पे वन टाइम सेट कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये मैनुअल वाला है। मैनुअल में क्या रहता है दोस्तों कि ऑटोमेटिक नहीं होता है, आपको पुश बटन दबाना पड़ता है तभी निकलता है। अगर पुश बटन आप नहीं दबाएंगे, छोड़ देंगे, तो मशीन गिनना बंद हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक में क्या रहता है, बटन दबाए तो कंटिन्यू निकलता ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। और प्लस आप पूरी मशीन की क्वालिटी देखिए दोस्तों, पूरी पाइप के ऊपर हमने बनाई गई ये मशीन है, स्टेनलेस स्टील पूरी पाइप है। यहाँ पे नीचे हैवी ड्यूटी व्हील लगाए हुए हमने, फर्स्ट क्वालिटी के। अंदर का इनर मशीनरी है दोस्तों, वो हम नहीं दिखाते हमारे व्यूअर्स को, कस्टमर को, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कॉम्पिटिटर कंपनी वो भी देख लेती है दोस्तों, तो जिससे क्या होता है, कॉपी बनने का चांस बहुत होता है। जैसे आज की तारीख में बहुत कॉपी हमारा बन ही रहा है दोस्तों, लेकिन वो लोग एक्यूरेसी क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। जो हम क्वालिटी एक्यूरेसी देते हैं, तो वो दूसरी कोई ब्रांड में, दूसरी कोई कंपनी में आपको एक्यूरेसी क्वालिटी नहीं मिलेगा जैसे हम आपको देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनर पार्ट नहीं बताते हमारी वीडियो में कि मशीन के अंदर हम क्या क्या पार्ट्स लगाते हैं जिससे ml एक्यूरेसी होता है। हर एक बोतल सेम एक्यूरेसी से भरता है, हर एक पाउच सेम एक्यूरेसी से भरता है। मार्केट में बहुत सारी ब्रांड आपको ये मीटर भी दे देंगे, सब दे देंगे, लेकिन हर एक का एक्यूरेसी अप डाउन होगा। आपने 200 ml सेट किया तो कोई 150 भरेगा, कोई 250 भर जाएगा, कोई 180 भरेगा, कोई 220 भरेगा, सबका एक्यूरेसी अलग अलग आएगा। जिससे क्या रहता है कि अगर आपने 200 ml का बोतल भर रहे हो, जैसे आपने 200 ml भर रहे हो, तो इसके अंदर से 200 ही निकलना चाहिए। अब देखिए, ये 200 ही निकलना चाहिए इसमें से, ये 200 ही निकला है। अभी 200 की जगह 250 निकलेगा तो क्या होगा दोस्तों, ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो के क्या होगा, पूरा आप जहां पे बैठे हो पूरा भीग जाएगा, चिकना हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी मेन इंपॉर्टेंट है इसकी दोस्तों। आप एक नहीं, मैं आपको दूसरी 10 बोतल बोलो तो मैं आप बोलो उतने में आपको बोतल फिल करके आपके सामने ही बताता हूं दोस्तों, एक दूसरी बोतल। आप एक्यूरेसी मैच करिए दोस्तों हमारी ब्रांड का, कि एक्यूरेसी हम जो बोलते हैं वो लाइव दिखाते हैं वीडियो के अंदर दोस्तों। ये दूसरा बोतल है, ये तीसरा बोतल है, आप देख सकते हैं सब बोतल का एक्यूरेसी आप देखिए। मार्केट में बहुत सारे कंपनी बोलेगी 2-5 ml का फर्क होता है, लेकिन हमारी कंपनी 2-5 ml का भी फर्क नहीं होता है दोस्तों, 2-5 भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अभी आप खुद ही देखिए अपने नजर के सामने दोस्तों, ये सब की एक्यूरेसी 1, 2, 3, 4, 5 आपके सामने मैंने 5-5 बोतल भर के रखी है दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी देखिए। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ओरिजिनलिटी का फायदा ही यही रहता है दोस्तों, ठीक है। डुप्लीकेट डुप्लीकेट रहता है, ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है दोस्तों। तो ओरिजिनलिटी का फायदा और मेन चीज यही रहता है दोस्तों, इंपॉर्टेंस इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको हमारे जो वैसे नॉर्मली हम यहाँ पे एक एम्पियर मीटर भी लगाते हैं मशीन के अंदर, आप देख सकते हैं कितना एम्पियर ऊपर से आ रहा है, कितना वोल्टेज है मशीन में, अप डाउन है। इसके अंदर हमने MCB अर्थ ब्रेकर भी लगाया, कल सुबह कोई शॉर्ट सर्किट का ऐसा भी कुछ पावर तार या कुछ भी अड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली स्विच गिर जाता है, गिरने से पूरा मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
जो बंदा काम कर रहा है उसको शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ होने का कोई चांसेस नहीं है इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपको बताया दोस्तों 1, 2, 3, 4 मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है फिलहाल, और मैं आपको इसकी प्रोडक्ट में प्राइसिंग की रेसिपी भी प्राइस भी बता देता हूँ, जो मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताया कि मैं इसका कितना प्रॉफिट है क्या रेशियो अभी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का गवर्नमेंट अप्रूव्ड, बेस्ट क्वालिटी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इसका सेपेड पाउच मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप मार्केट से हमारी कंपनी आपको सजेस्ट करेगी, वहां से आप लेंगे तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एज अ पर गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक इसके माइक्रोन की कैपेसिटी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है। बहुत पतला प्लास्टिक रहता है तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं होता है दोस्तों। तो मेन इंपॉर्टेंट है इसका प्लास्टिक है जो ये पैकेट रहता है सेपरेट पाउच। इसका प्राइस दोस्तों फर्स्ट क्वालिटी का इसका प्राइस है 90 पैसा, 0.90, 150 ml का 90 पैसा प्राइस है। इसके अंदर कोई भी आप मटेरियल फील करेंगे जैसे लीची है, फ्रूट बियर है, जीरा है, कोला है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, कोई भी फ्लेवर, 150 ml मटेरियल भरने का खर्चा आपको 50 से 55 पैसे का आएगा। आप 55 पैसा पकड़ लीजिए दोस्तों, इसलिए 1.45 रुपया हुआ, 15 पैसा मेंटेनेंस रहेगा। मेंटेनेंस मतलब कि आपने जो आदमी बिठाया है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी खर्चा की, तो 15 पैसा वो मेंटेनेंस लगेगा। 1.60 रुपये में इसका आपको लैंडिंग होगा। ये मार्केट में दोस्तों बिकता है 5 रुपये में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 रुपये लिखा है, ये मार्केट में 5 रुपये में बिकता है दोस्तों, जो ठंडा करके बेचता है डायरेक्टली वन कस्टमर को। अगर आप डायरेक्टली जो कस्टमर ठंडा करके बेचते हैं उसको सपोर्ट करते हो तो 3.5 से 4 रुपए में एक पाउच वहां पे सेल कर सकते हो। अगर आप बीच में कोई होलसेलर है मिडल में जो आपके पास से एक साथ 1,000, 2,000 पीस खरीद लेता है तो वहां पे जाते हो तो वहां से आपको 3 रुपए में ये चीज सेल हो जाएगा। मैक्सिमम 3 रुपए में आप सेल कर सकते हो वहां पे, एक पाउच पे आपको 1.40 रुपये का नेकेड प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, 1.40 रुपीज। यह मशीन आप खरीदते हो 1 घंटे में 300 पाउच, 10 घंटा काम करेगी, 3,000 पाउच का कैपेसिटी है इसका। रोजाना अगर आप 3,000 पाउच बना के मार्केट में सेल करते हो तो रोजाना 4 से 4,500 का मुनाफा है दोस्तों इसमें। अगर ये मशीन आप लेते हो तो 1 घंटे के अंदर 600 पाउच, 10 घंटे में 6,000 पाउच है, रोजाना 7 से 8,000 का प्रॉफिट है। ये वाला मशीन आप खरीदते हो तो 1 घंटे के अंदर 301 साइड से निकलेगा, चारों साइड से मिला के 1,200 पाउच 1 घंटे में निकलेंगे, 10 घंटे में 12,000 पाउच निकलेंगे, रोजाना 15,000 रुपए का प्रॉफिट है रोजाना पर डे, ठीक है। इसके अंदर आप ये बोतल भराएंगे तो मैं आपको बोतल का भी कॉस्टिंग बता देता हूं दोस्तों। आप कोई भी फ्लेवर का बोतल भरेंगे 200 ml का, 2.50 रुपए का बोतल और ढक्कन रहेगा आपको कंप्लीटली, 40 पैसे का इसका स्टिकर आएगा, 2.90 रुपए हो गया, और 80 पैसे का इसके अंदर मटेरियल जाएगा क्योंकि इसमें 200 ml मटेरियल भर रहा है, उसमें हमने 55 पैसा गिना, 150 ml गिर रहा है, इसमें 200 ml गिर रहा है, इसलिए 80 पैसे का मटेरियल जाएगा, ठीक है। तो 2 रुपए 2.90 रुपीज के प्लस आप 80 पैसे, इसलिए 3.70 रुपीज और 30 पैसा अदर मेंटेनेंस गिन लो, जैसे खर्चा इलेक्ट्रिसिटी है 20-20-20 का बंच बनाएंगे, जो भी लेबर चार्ज है अदर चार्ज, तो 4 रुपए में इसका लैंडिंग आएगा। एक चीज आपको मार्केट में 10 रुपए में सेल होगी दोस्तों, तो आप कोई रिटेलर है, कोई होलसेलर है, डायरेक्ट जो बंदा ठंडा करके बेचता है तो वहां पे 8-8.5 रुपए में दे सकते हैं आप, ठीक है। अगर कोई होलसेलर है, बड़ा व्यापारी है, जो आपसे 1,000, 1,500, 2,000 बोतल उठाता है तो वहां पे आप इसको 7 रुपए में दे सकते हो, 1 बोतल पे आपको 3 रुपया कम से कम प्रॉफिट मिलेगा। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी, कौन सा मशीन लेंगे तो कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी निकलेगा वो सब मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और इससे भी बेटर है दोस्तों, हमारे पास और भी बहुत सारी मशीन है, जैसे सोडा फिलिंग प्लांट है, इसके अंदर से सोडा नहीं बनता है दोस्तों, ओनली जूस बनता है, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक बनता है इसमें से। अगर आपको सोडा फिलिंग प्लांट लेना है हमारे से, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन लेना है, सोडा सॉप मशीन लेना है, सुगर केन मशीन लेना है, कैंडी फ्लस, पॉपकॉर्न मशीन, मोर देन 40 प्रोडक्ट हमारी कंपनी डॉल्फिन अप्लायंस मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है दोस्तों। तो ज्यादा जानकारी, ज्यादा डिटेल के लिए हमारी कंपनी के दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारी कंपनी का नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी सब दिया गया दोस्तों। डायरेक्टली आप कंपनी में कॉन्टेक्ट करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों हमारी सेल्स टीम मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक एक्टिव रहती है दोस्तों, टाइम पे आप कॉल करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।